नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करके उनकी बदनामी करने के लिए तैयार किए गए बुली बाय ऐप केस को लेकर आज मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नगराले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस केस को लेकर अब तक की कार्रवाई से जुड़ी सारी जानकारी भी शेयर की। तो हेमंत नगराले ने कहा कि अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से जो मुख्य आरोपी है वो श्वेता सिंह है। इंटरनेट पर बुली बाय ऐप को इसी ने तैयार किया था। इस बुली बाय ऐप का ट्विटर पर अकाउंट भी था। इसके फ्रंट पेज पर क्लिक करके इसे ओपन किया जा सकता है। इस ऐप को बनाने के पीछे कुछ खास समाज की महिलाओं को बदनाम करने का मकसद था। ऐप पर उनके फोटो अपलोड किए जाते थे और उन पर एक मैसेज लिखा जाता था ताकि उन महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। तो हेमंत नगराले ने बताया कि ये ऐप 31 तारीख को डेवलप किया गया था। 2 तारीख को इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये ऐप किस साजिश का हिस्सा है और कौन कौन लोग और इससे जुड़े हैं, इसकी तहकीकात अभी की जा रही है। साथ ही हेमंत नगराले ने यह भी कहा कि इस मामले में जो लोग मुंबई पुलिस को और अधिक जानकारी देना चाहते हैं वो लोग सामने आए और वेबसाइट पर जानकारी दे सकते हैं, या फिर वो पुलिस थाने आकर भी मुंबई पुलिस से अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं।